कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा की बड़ी आवश्यकता है। भगवान गीता के अन्यत्र कहते हैं, इसी गीता में कहते हैं, श्रद्धावान लभते जो माम, जो श्रद्धालु व्यक्ति है वही मुझे समझ पाता है। जिसमें श्रद्धा नहीं है, कहते हैं अश्रद्धाना पुरुष धर्मस्य परम तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमाने। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिखाने के लिए गीता तो पढ़ते हैं, उनमें श्रद्धा नहीं है, पैसा कमाने के लिए, मान पूजा प्रतिष्ठा के लिए गीता का अध्ययन करते हैं, लेकिन उन्हें भगवान के प्रति विश्वास नहीं है। प्रभुपाद जी ऐसे लोग कंडेम्ड किए हैं। कृष्ण को भगवान जो नहीं मानता वो गीता क्या समझ सकता है जी? गीता समझने का मतलब कि जो गीता का वक्ता है उसको, उसके अथॉरिटी को स्वीकार करो पहले। वो कहते हैं ओ कृष्ण नहीं, ये कोई दूसरे कृष्ण परमात्मा है। और भी कहते हैं कि कुरुक्षेत्र और कोई नहीं है, ये शरीर ही कुरुक्षेत्र है, ये पांच पांडव, ये पांच इंद्रियां हैं। तो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए तो ठीक कह सकते हैं, लेकिन सब जानते हैं कुरुक्षेत्र है, हरियाणा में पड़ता है, दिल्ली के नजदीक है, तो लोग जानते हैं। लेकिन ऐसे मूर्ख लोग हैं जो स्वयं मूर्ख हैं और दूसरों को मूर्ख बनाते हैं। ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड ऑल फॉल इन डिच। यदि अंधा दूसरे अंधा को रास्ता दिखाएगा सब गड्ढे में गिरेंगे। तो ऐसे लोग हैं, उन्हें श्रद्धा नहीं है। तो वैसे लोग भगवान कहते हैं अश्रद्धाना पुरुष धर्मस्य परम तप। हे परम तप अर्जुन, वे लोग अश्रद्धालु लोग धर्म करने का ढोंग तो खूब रचते हैं, बड़ा अच्छा स्वार रचते हैं कि मैं धार्मिक व्यक्ति हूं, खूब तिलक भी कर लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन श्रद्धा नहीं है भगवान में। तो भगवान कहते हैं अप्राप्य माम, वो मुझे प्राप्त नहीं करोगे। निवर्तन्ते, पुनः गिरेगे कहा मृत्यु संसार वर्तमने, इस भौतिक संसार में जहां पर मृत्यु ही मृत्यु है। कहते मृत्यु संसार।